नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज जहां पे हमारे चर्चा का, हमारे मंथन का एक विषय जिसे हम बोल रहे हैं क्या, छत्तीसगढ़ में रहस्य। अगर बात होती है छत्तीसगढ़ में रहस्य का, तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रहस्य हमारे लिए क्या होता है। उसके बाद हम समझने का कोशिश करेंगे कि हमको इसको कैसे लिखना है, कैसे इसको डील करना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले जानने का, समझने का एक कोशिश करते हैं कि रहस्य हमारे लिए होता क्या। देखिए, अगर बात होती है रहस्य का, तो रहस्य हमारे लिए क्या है। अगर मैं बोलूं इसको, तो ये अगर जैसे मैं लिख रहा हूं इसको रहस्य, सॉरी, अगर मैं लिख रहा हूं ये रहस्य, तो रहस्य हमारे लिए क्या, रहस्य एक ऐसा चीज है जो हमारे लिए किससे, रहस्य शब्द से बना। अगर आप देखोगे रहस्य को, तो आपके लिए एक रहस्य शब्द से बना है। और ये रहस्य क्या चीज होता है, जैसे आपने दर्शन शास्त्र में एक शब्द सुना होगा जिसे बोलते हैं साक्षात्कार। इंग्लिश में अगर उसी को बोला जाए, तो हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू या साक्षात्कार हमारे लिए क्या होता है, जब आत्मा का परमात्मा से जो वार्तालाप होता है, जो संवाद होता है, उसी को क्या बोलते हैं, साक्षात्कार। अगर बात होती है रहस्य का, तो जो रहस्य है वो एक रहस्य, तो रहस्य क्या है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के मनोरम जो जीवन है, जीवन लीलाओं का क्या होता है, वर्णन होता है। और ये जो वर्णन होता है, इसी को क्या करते हैं हम, एक मंच के माध्यम से दिखाने का कोशिश करते हैं। एक ड्रामा होता है, एक नाट्य होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रहस्य बोलते हैं। तो रहस्य आपके लिए क्या होता है जी, भगवान श्री कृष्ण के मनोरम जीवन के लीलाओं को अगर हम एक मंच के माध्यम से दिखाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में रहस्य। अगर ये रहस्य है, तो इसका कोई ना कोई तो एक इतिहास होगा। अगर बात होती है इसके इतिहास का, तो अगर हम लोग चले इसके इतिहास के लिए, तो अगर आप देखते हो रहस्य का इतिहास, तो रहस्य का इतिहास बेसिकली आप उत्तर प्रदेश में जो रासलीला है, उत्तर प्रदेश में जो रासलीला प्रचलित है, उसी से आपके लिए प्रभावित है क्या, छत्तीसगढ़ में रहस्य। अगर मैं ये बोलूं कि जो उत्तर प्रदेश में रासलीला है, इसी का अगर छत्तीसगढ़ ही रूपांतरण है, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा आपके लिए रहस्य। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है क्या, रहस्य। रहस्य क्या होता है, उत्तर प्रदेश में जो रासलीला में जो प्रचलित है, उसी का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रहस्य। अगर बात होती है रहस्य में, तो रहस्य में आपके पास कलाकार भी होते होंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें हमारे पास कलाकार होते हैं क्या, हमारे पास कौन कौन कलाकार होते हैं। तो ये क्या होता है, अगर कलाकार देखा जाए, तो इसमें 20 से 30 लोगों का क्या होता है, समूह होता है। ये जो 20 से 25 लोगों का समूह होता है, इसी समूह को हम लोग बोलते हैं मंडली। इसको क्या बोलते हैं जी, हम लोग मंडली। और देखिए, अब ये जो 20-25 कलाकारों का जो समूह है, उसी को हम लोग बोलते हैं मंडली। अगर आप देखोगे इसी मंडली को, तो इस मंडली के, इस मंडली में क्या होते हैं, मंडली के प्रमुख होते हैं। मंडली के जो प्रमुख होते हैं, ये मंडली के प्रमुख के आधार पे क्या होता है, रहस्य आपके लिए दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में आपके लिए विभाजित होता है। अगर आप देखो रहस्य को, तो ये जो मंडली प्रमुख होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है व्यास। अब देखिए भाई, व्यास का हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हमको देखना रहता है इसका जाति, इसमें ये कौन से कास्ट का है। अगर आप देख रहे हो कि रहस्य को जो मंडली है, इस मंडली का जो प्रमुख है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, व्यास। अगर ये जो व्यास है, इसका जाति देखेंगे, तो जाति में हम दो जाति देखते हैं, एक है आपके लिए क्या, ब्राह्मण जाति, और दूसरा हमारे लिए क्या है, सतनामी जाति का। अगर बात होती है हमारे पास ब्राह्मण जाति का, बात होता है हमारे पास सतनामी जाति का, सतनामी जाति में आपके पास एक टर्म एंड कंडीशन है, आपके पास एक शर्त है कि ये जो सतनामी जाति का ये जो मंडली प्रमुख होगा, या मैं ये बोल सकता हूँ सतनामी जाति का जो व्यास होगा, उस व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है। ये आपके लिए क्या है, टर्म एंड कंडीशन है भाई, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रहस्य। अगर बात होती है रहस्य का, तो रहस्य को डिवाइड कैसे करें, ये हो गया आपके लिए रहस्य।
तो ये रहस्य दो पार्ट से आपके लिए क्या होगा, डिवाइड होगा। एक होता है आपके लिए क्या, सवर्ण रहस्य, और दूसरा होता है आपके लिए क्या, सतनामी रहस्य। ठीक है जी, तो आपको याद रखना इधर से सवर्ण रहस्य, उधर से क्या याद रखना, सतनामी रहस्य। अगर बात होती है सवर्ण रहस्य का, तो सवर्ण रहस्य में क्या होता है, इसमें जो व्यास है वो व्यास आपके लिए क्या है जी, ब्राह्मण जाति का है, का जो कास्ट है वो क्या है, ब्राह्मीण है। और अगर बात होती है सतनामी रहस्य में, तो इसमें क्या, ये सतनामी रहस्य में जो आपके लिए व्यास है, ये व्यक्ति क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। और क्या रहेगा, यही व्यक्ति जो आपके लिए प्रमुख रहेगा वो क्या रहेगा, सतनामी रहेगा। तो अगर ये सतनामी है और आपके लिए शिक्षित है, तब जाके हम इसी को क्या बोलेंगे, सतनामी रहस्य का। ठीक है जी, तो अब याद रखना सतनामी रहस्य, इसमें जो आपके लिए व्यास है वो कौन से जात का है आपके लिए, सतनामी है जी। अब देखिए सर, इसमें और इसमें कुछ तो आपके पास डिफरेंस होगा, तो इसमें डिफरेंस होता है कि ये आपके लिए कितना होता है, 10 दिनों का, और ये कितने दिनों का होता है आपके लिए, 9 दिनों का होता है। ठीक, अब लेके, अब जब आपके लिए मंच चालू होगा, तो आपके लिए बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। तो देखिए, जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो रहस्य होते हैं, इसमें हमारे पास कलाकार हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। लेकिन ये डिवाइड हो गया, लेकिन इससे पहले क्या, आप डिवाइड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, देखेंगे। जब इसका प्ले होता है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, एक खुला मंच हो, ये आपके लिए क्या है, एक मंच। इसी मंच को बोला जाता है क्या, रहस्य बेड़ा। क्योंकि रहस्य परफॉर्म हो रहा है, तो जिस स्टेज पे होगा, जिस मंच पे होगा, उसी को बोलेंगे बेड़ा। चूंकि ये रहस्य हो रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, रहस्य बेड़ा। हमको याद रखना कि ये जो आपके लिए मंच होता है, इसके चारों साइड क्या क्या चीजें होती है करके। अरे यार सुनो, सबसे याद रखना, एक साइड होता है आपके लिए ब्रह्मा, ठीक है जी। दूसरे साइड हमको याद रखना, इसी में हमारे पास कौन होते हैं, शिव, या इसी को हम लोग बोल देते हैं शंकर जी। एक साइड होते हैं हमारे पास सुखदेव, और एक साइड हमारे साथ होते हैं कौन, परीक्षित। ये हमारे लिए चार कोने होते हैं, और ये चार अलग अलग कोनों में क्या होते हैं, अलग अलग लोग रखे जाते हैं प्रतीकात्मक रूप से। एक में ब्रह्मा देव रहते हैं, दूसरे में शंकर जी रहते हैं, तीसरे में सुखदेव जी रहते हैं, और चौथा में हमारे पास रहते हैं परीक्षित। अब ये बीच में है, और यहाँ पे आपके लिए क्या आएंगे, कलाकार। ये तीन कलाकार सामने में रहते हैं, इनको बोलना चाहिए हमको क्या, बी बी जी। अरे यार सुनो, बी से याद रखना है हमको क्या, भक्ति। बी से याद रखना है हमको वैराग्य, के बाद जी। जी से याद रखना है हमको क्या, ज्ञान। तीन हमारे पास ऐसे नर्तक होंगे इसमें, जो क्या रहेंगे आपके लिए, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इनका क्या रहेंगे, ये प्रतीक रहेंगे। अब अगला प्रश्न ये आता है कि सर, अगर ये हमारे पास रहस्य है, अगर हम इसको क्या देख रहे हैं, रहस्य, तो क्या सर रहस्य में हमारे पास महिला, आपके पास वो होती क्या, महिला कलाकार नहीं। तो छत्तीसगढ़ में जो जनरली सामान्य रूप से आपके लिए सामान्यता बोल सकते हैं, जो आपके लिए क्या होता है, रहस्य होता है, ये क्या होता है आपके लिए, पुरुष प्रधान होता है। हमारे यहाँ कोई वो नहीं होती भाई, महिला नहीं होती, बिल्कुल कपिल शर्मा के शो टाइप का होता है। अगर कोई लड़की है, तो लड़की का भी रोल कौन करता है, एक लड़का, जो लड़की का रूप ले लेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं परी। लेकिन वो परी आपके लिए किसमें, ब्राह्मण रहस्य में नहीं रहेगा, वो आपके लिए किसमें रहता है जी, सतनामी रहस्य में। ठीक है जी, अब आगे बढ़े क्या, अब अगर थोड़ा रहस्य में आते हैं अपन, तो ये कितने दिन का हो रहा है, 10 दिनों का, और ये कितना दिन का हो रहा है आपके लिए, 9 दिनों का। अब देखो इसमें क्या होता है, आपके पास कदम का एक वृक्ष होता है, और कदम के वृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण की क्या करते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं या प्रतिमा स्थापित करते हैं, और इसी की पूजा की जाती है। इसमें राधा और कृष्ण तो रहेंगे, और राधा और कृष्ण के साथ आपके पास कौन रहते हैं, रिद्धि और सिद्धि।
तो आपको याद रखना है क्या रहस्य, क्या याद रखना है रहस्य, तो इसमें राधा और कृष्ण की मूर्ति रहेगी, इसमें राधा कृष्ण के साथ आपके लिए रिद्धि और सिद्धि दोनों क्या रहेगी, फ्री रहेगी। अब समझिए, अगर आप इसमें देखते हो तो ये अगर हमारे पास कितने दिनों का है, सॉरी सांड रवास आपके लिए कितना दिन का होता है जी, 9 दिन का होता है, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, ये होता है आपके लिए 9 दिनों, और ये सतनामी रहस्य ये आपके लिए कितने दिनों का होता है, 10 दिनों का, ठीक है जी। अब देखिए, अगर ये 9 दिन का हो रहा है और ये 10 दिन का हो रहा है, तो सर अगर बोले जाए तो ये 1 दिन एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, जैसे हम लोग टीवी वी देखते हैं तो बीच में हमको क्या आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, हमको विज्ञापन आता है, वैसे अगर सतनामी रहस्य को देखा जाए तो सतनामी रहस्य में जैसे हमको ये होता है कि सर कोई अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, वो अच्छे से नहीं सुन पा रहा है, तब हम क्या करते हैं बीच बीच में मनोरंजन लाते, तो इसमें अगर ये 10 दिनों का है और ये 9 दिनों का है, तो ये हमारे पास क्या होता है, पूर्ण रूप से भक्ति प्रधान होता है, और ये क्या रहता है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके लिए क्या होता है जी, भक्ति के साथ मनोरंजन प्रधान होता है। अगर बात हो गई है मनोरंजन का, तो मनोरंजन के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति आता होगा क्या, कोई ना कोई एक कलाकार आता होगा क्या, तो ये जो मनोरंजन का काम करते हैं वो व्यक्ति हमारे पास क्या रहते हैं, या तो इसी को बोला जाता है जोकर, या इसी को बोला जाता है परी। तो देखो भाई, जो जोकर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विदूषक, अगर आप इसको परी और जोकर को बोला जाए तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विदूषक, जो जोकर का काम करता है हमारे लिए, हम सीधा सीधा वो बात कर रहे हैं, क्लियर जी। तो ये जोकर या परी, ये इनका काम क्या होता है, मुख्य रूप से हास्य, हंसवाने का काम करते हैं ये लोगों का मनोरंजन काम का काम करते हैं, ये लोगों का इंटरटेनमेंट का काम करते हैं, हमको याद रखना है रहस्य। अगर आपको जो प्रश्न पूछा है, देखिए अगर हम लोग इसके लिए चले कि सर रहस्य क्या है, तो अगर ये आपको पूछा है केवल 4 नंबर, तो 4 नंबर में नहीं, हम आपको इसको सबसे बड़े रूप में पढ़ चुके हैं कि हम इसको 8 नंबर में भी लिख सके। अब देखिए, अगर मुझे इसको 4 नंबर में लिखना हो तो सर मैं इसको कैसे लिखूं, तो देखिए जब भी अगर आपको पूछा जाएगा लोक नाट्य, मैं आपको एक चीज बताया क्या रहस्य, लेकिन रहस्य के साथ हमारे पास लोक नाट्य में और क्या क्या चीजें आती है जी, ये हो गया आपके लिए रहस्य, रहस्य के साथ आपके पास क्या आता है नाचा, नाचा के साथ हमारे पास और क्या आता है गम्मत, लेकिन आज हम केवल डील कर रहे हैं कि इसको रहस्य को, रहस्य के बाद नाचा और गम्मत, इसको हम अगले वीडियो में भी देख लेंगे, आज हमको देखना है रहस्य। अगर रहस्य को मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले हम अगर रहस्य का अगर मीनिंग क्लियर हो रहा है क्या हमको, तो हम बोले थे क्या ये रहस्य शब्द से क्या प्रभावित, दूसरा हम ये देखे थे इसका कोई इतिहास है क्या, तो हाँ इसका एक इतिहास है, और वो इतिहास क्या था कि ये उत्तर प्रदेश के रासलीला से क्या था प्रभावित, ठीक है जी। उसके बाद देखिए इसमें क्या हो रहा था आपके लिए, ये कब किया जा रहा है, तो अवसर, अवसर में हम क्या देखे थे, अवसर में हम देखते थे कि कृष्ण जन्माष्टमी के समय, ठीक है जी, तो अवसर में याद रखना है हमको कब, जन्माष्टमी के अवसर पर। अगर और आगे चले तो हम देखे थे इसमें कलाकार, तो कलाकार के जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोले थे मंडली, और जहां पे जो मंच था उसी मंच को हम लोग क्या बोले थे बेड़ा, ठीक है जी, और जो मंडली प्रमुख होता था इसी को क्या बोले हम लोग व्यास, और व्यास के आधार पर ये क्या हो रहा था हमारे लिए 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो हमको याद रखना है 2 पार्ट, तो सबसे पहला पार्ट हमारे लिए क्या आ रहा था अगर हम यहां देखें तो ये हमारे लिए था, अगर ये जो व्यास है वो आपके लिए किसका हो, ब्राह्मण जाति का, और दूसरा याद रखना अगर व्यास हमारे लिए क्या हो, शिक्षित हो, और शिक्षित के साथ वो क्या हो, सतनामी जाति का, ठीक है जी। ये ब्राह्मण रहस्य आपके लिए कितने दिन का होता है, 9, सतनामी रहस्य कितने दिन का होता है, 10, अरे सुनो ये आपके लिए क्या होता है, भक्ति प्रधान,
और ये क्या होता है हमारे लिए, भक्ति तो होता है, और भक्ति के साथ हम देखे थे कि ये हमारे लिए क्या होता है जी, मनोरंजन प्रधान। देखिए आपके लिए चीजें, तो आप जब इसको लिखना चालू करते हो तो आपको चीजें इतनी बेहतर ढंग से आती है कि आप उसको 2 नंबर में लिख सकते हो, आप उसको 4 नंबर में लिख सकते हो, आप उसको 8 नंबर में लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहे तो हम इसको 15 नंबर में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं लिखूं कि सर रहस्य क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, रहस्य, रहस्य शब्द का क्या है, रहस्य शब्द से बना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मनोरम जीवन लीलाओं का क्या होता है, वर्णन होता है, साथ में यह उत्तर प्रदेश के रासलीला से क्या होता है, प्रभावित होता है। यह सामान्यता, आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा यहाँ से, सामान्यता, ऐसा नहीं है कि भाई बाद में नहीं किया जा सकता या नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली इसी समय पे होता है, तो हमको याद रखना क्या, सामान्यता या जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें जो कलाकारों का समूह होता है उसे मंडली कहते हैं, और मंडली, मंडली का जो प्रमुख होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं, और व्यास के जाति के आधार पर रहस्य आपके लिए 2 पार्ट में या 2 भागों में क्या होता है जी, विभाजित होता है। ब्राह्मण जो रहस्य होता है आपके लिए 9 दिनों का होता है, भक्ति प्रधान होता है। अगर आप देखोगे सतनामी रहस्य, तो सतनामी रहस्य आपके लिए क्या होता है, 10 दिनों का होता है, भक्ति एवं मनोरंजन प्रधान होता है। ये तो हो गई रहस्य का। अगर बात करें कि उसका नाचा का और गम्मत का, तो ये दोनों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए कि सर हमको इसको कैसे डील करना होता है। अगर मैं आगे चलूं, उससे पहले आपको एक छोटा सा मैसेज दे देता हूं। अगर आप बात करो कंपटीशन कम्युनिटी बिलासपुर का, तो कंपटीशन कम्युनिटी बिलासपुर में बहुत सारे हमारे बच्चों का, बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट का ये मन था कि सर आप तो मंगला चौक में हैं और हम गांधी चौक पे रहते हैं, हमको आने जाने में समस्याएं होती है, आप एक काम करें, आप हमारे लिए एक बार, हम चाहते हैं कि आप गांधी चौक में आए। तो आप सबकी डिमांड पे, आप सबके स्नेह से कंपटीशन कम्युनिटी अपना एक और ब्रांच खोलने जा रहा है बिलासपुर में ही, और वो जो बिलासपुर का ब्रांच है ये आपके लिए आने वाला है, कहाँ पर, ये आपके लिए आने वाला है गांधी चौक पे। आप जितने जन तैयार होना चाह रहे थे कि सर हमको CGPSC का तैयारी करना है, हमको छत्तीसगढ़ व्यापम का तैयारी करना है, आपको किसी भी चीज का तैयारी करना है, आप SSC का तैयारी करना है, आपको बैंक का तैयारी करना है, अगर आप आना चाहेंगे तो हम सबको, आप सबको मैं बार बार न्योता देना चाहता हूं कि आप झारा झारा आपको न्योता है, आप जरूर आए, आप गांधी चौक जरूर आए करके। ये जो हमारा ब्रांच है आप देख रहे हो कि इधर 25 जून आपको लिखाया हुआ है, तो हम 25 जून से आपके लिए क्या करने वाले हैं, हमारे ब्रांच का दूसरा जो ब्रांच है बिलासपुर में ही, इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपके लिए होने वाला है, जैसे हमने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था सामर्थ्य को सलाम, उसमें आपने हमको बहुत ज्यादा प्रेम दिया, तो हम एक और स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है आपको कब, 19 जून को। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि जो हमारे टॉपर्स रहेंगे उनको हम 90% तक डिस्काउंट देंगे। एकदम सही सुन रहे हो, एकदम सही सुन रहे हो कि हम आपको 90% तक डिस्काउंट देने वाले हैं। तो चलिए भाई, जिस काम के लिए हम चालू किए थे, जो चीज पढ़ना, जो हमारे रहस्य था, हम उस रहस्य के लिए चलते। देखिए, अगर बात होती है कि सर अगर हम तुरंत गांधी चौक पे आ रहे हैं तो हम किन किन चीजों को क्या करेंगे, संचालित करेंगे, तो अभी हमारे पास वहां रहेगा CGPSC प्री प्लस मेंस, और हमारे साथ रहेगा हॉस्टल वार्डन, और साथ में आपके लिए CG व्यापम की क्लासेस वहां संचालित होगी। तो आप कोई भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो चाह रहा होगा कि सर हम गांधी चौक में रह के तैयारी करें, तो आपको ये डेट याद रखना है भाई, 25 जून, 25 जून से हम आने वाले। तो चलिए चलते हैं फिर किसके लिए, रहस्य के लिए। तो देखिए, अगर बात होती है रहस्य का, तो मैं जो चीजों को बताया था उसके हिसाब, रहस्य जो है आपके लिए रहस्य शब्द से बना हुआ है, जो आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के जीवन के मनोहारी लीलाओं का वर्णन है। यह सामान्यता आपके लिए कब,
होली के अवसर पर या जन्माष्टमी के अवसर पर क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है, यह उत्तर प्रदेश के रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। रास आपके लिए 20 से 30 लोगों का समूह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंडली कहते हैं, और तथा मंडली का जो प्रमुख होता है वो हमारे लिए क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है जी, रास मंडली का जो प्रमुख होता है व्यास के आधार पे होता है। रास दो प्रकार के होते हैं, रास सवर्ण रास और दूसरा है आपके लिए क्या, सतनामी रास। सवर्ण रास आपके लिए 9 दिनों तक किया जाता है, यह भक्ति प्रधान होता है, जबकि सतनामी रास आपके लिए 10 दिनों तक का होता है और ये भक्ति और मनोरंजन आपके लिए क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये चीजें हम बता चुके हैं आपको। अब देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हम आपको बाइलिंगुअल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप हिंदी में तो पढ़ोगे साथ में अपन क्या करेंगे, इंग्लिश। और बात होती है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का, तो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एक चीज में बहुत ज्यादा फोर्स करता है और वो चीज है आपके लिए क्या, आपको गुणवत्ता परक चीजें हो, आपके लिए जो बेस्ट चीजें हो मार्केट में वो चीज हम आपको प्रोवाइड करें। तो हम आपको देंगे हाइब्रिड क्लासेस, जिसमें आप सबको हम बार बार निवेदन करेंगे कि अगर आपको तैयारी करना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी रुके ना, तो आप कंपटीशन कम्युनिटी जरूर आए और आप अपने जो मन में सपना पाले उस सपना को आप क्या करें, अपना उड़ान दें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।